अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय वनमो व्लॉग। एंड आज है फ्राइडे, तो अभी टाइम हो रहा है 10:42 एंड अभी हम जा रहे हैं बाजार। तो अब देख सकते हैं फ्राइडे के दिन का हमारे मॉर्निंग का सीन, यहाँ पर बारिश देखो कैसे हो रहा है। जा रहे हैं बाजार में कुछ घर का सामान लाने, डेली फ्राइडे को हम जाते हैं थोड़ा थोड़ा सामान लाने घर का। बारिश देखो भाई साहब कितना हो रहा है, गेट पूरा देखो ये हो गया, कार भी पूरा है देखो कच्चा कच्चा हो गया, रोड भी देखो यहाँ पर कैसा हो रहा है। बाइक में नहीं जा रहे क्योंकि ना बारिश देखो कितना जोर सा रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं कार में, हलो हलो करके ज्यादा आ रहा है बारिश, उसके लिए सीधा कार में बैठ के जा रहे हैं हम। तो चलो जल्दी से चलते हैं, बैठते हैं कार में। कार भी देखो पूरी कैसे कच्ची हो गई है, और अभी बिजली बिजली से भी आ रही है देखो ऊपर के साइड, आवाज देखो कैसे आ रही है, टेंडर की आवाज देखो। आप ऑटो स्टैंड का सीन देख सकते हैं, देखो यहाँ पर कितने कम ऑटो है, आज बारिश है ना इसके लिए आए थे। यहाँ पर सामने की तरफ आप देख सकते हैं, देखो रोड देखो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर पानी पानी हो गया है रोड। एंड और एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, ये साइड में थोड़े थोड़े दुकान खुले हैं क्योंकि आज फ्राइडे है ना, इसके लिए सारे दुकान जो है ओपन नहीं हुए हैं अभी। मास्क के बाद खाना पीना खाने के बाद समथिंग 2-3 o'clock को पूरे दुकान यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। एंड हमारी कार हमने यहाँ पर पार्क की हुई और हमारा शॉप है वो साइड में। आवाज़ें सुनो भाई साहब कैसे आ रहे हैं, देखो गुड़ूज गुड़ूज की आवाज़ें, बादल पूरे देखो ऊपर कैसे छाए हुए हैं देखो पूरे। हम जा रहे हैं पापा की दुकान में, पापा को थोड़ा सा काम है दुकान में, इसलिए अभी दुकान में जा रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पर वेट करते हैं एंड सामान सभी लाने पता जाते हैं। एंड सामने अभी पापा का शॉप आ चुका है, आप देख सकते हैं देखो ये वाला और वो वाला कैसा है देखो अंदर से। अभी मैं आ गया हूँ दुकान से बाहर, तो अभी मैं जा रहा हूँ समथिंग पापा ने बोला है थ्रेड लाने के लिए, तो चलो थ्रेड लाते हैं एक दुकान से। एंड आपको अच्छी तरीके से ये एक बार थंडर का आवाज़ सुनाता हूँ मैं, कैसा आ रहा है सुनो ये आवाज़। अभी गाइस हमें जाना है वहाँ पर, रोड पार करते हैं एंड चलते हैं ताकि कई गाड़ियाँ ना आ जाएं क्योंकि बारिश का टाइम है, भागने भी नहीं होगा। तो आप वहाँ सामने बाहर के साइड देख सकते हैं देखो बारिश देखो कैसा हो रहा है वहाँ पर। एंड अभी मैं आ चुका हूँ शॉप से बाहर थ्रेड का बॉक्स लेके एक, तो चलो अभी चलते हैं जल्दी से। बारिश देखो भाई साहब थोड़ी छोटी छोटी आ रही है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी है कच्ची होने के लिए, मतलब हम वेट होने के लिए पूरी यही बहुत बड़ा है बारिश। तो जल्दी भाग भाग के चलते हैं एंड सामने रोड क्रॉस करके देख के रोड क्रॉस करके चलते हैं फिर जल्दी से। बहुत जोर की बारिश आना शुरू हो गई है अभी और टंडर भी बहुत जोर जोर से आ रहा है, एक एक बार टंडर ऐसा आ रहा है ना डर लग रहा है पूरा। हल करते हैं इस रोड को क्रॉस, देखते हैं पहले कोई गाड़ी है या नहीं, उसके बाद करते हैं रोड क्रॉस। चलो कोई गाड़ी नहीं है, जल्दी से रोड क्रॉस कर लेते हैं और चलते हैं थोड़े से छाँव छाँव एरिया से, मतलब जहाँ ये ऊपर सब ये बना है ना ऐसे ऐसे थोड़े बच बच के चलते हैं, नहीं तो भाई साहब फिर और कच्चे हो जाएंगे। एंड अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं देखो थोड़ी सी जोर जोर टाइप में बारिशें आने शुरू हो गई हैं ऊपर, देखो कुछ लोग अभी रेनकोट और अम्ब्रेला से भी लेके जा रहे थे अभी। तो चलो पापा को पहले थ्रेड देते हैं और देखते हैं फिर कहाँ जाने होता है वहाँ जाते हैं। एंड पापा की दुकान का ये पीछे का सीन आप देख सकते हैं देखो यहाँ पर कैसा, यहाँ पर से ना सीधा जाएंगे तो यहाँ पर मटन मार्केट के पास वहाँ पर रास्ता जाता है ये। एंड ये दरबार होटल के पीछे के साइड का है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिर से बाहर क्योंकि वो चिकन जो है वहाँ से मैं चिकन लाने जा रहा हूँ, तो चलो पापा ने पैसे भी दे दिए मुझे, जाके जल्दी से वहाँ से चिकन लेके आते हैं। मामा चिकन लेने के लिए रोड हमें यहाँ पर जाना पड़ता है एंड यहाँ से सामने जाके सामने ही है मामा चिकन, मैंने पहले भी आई थिंक आपको दिखाया था। एंड ये जो सामने से आप देख सकते हैं ये पूरा है ना मटन मार्केट है, यहाँ पर पटगल के नीचे के बाज़ार में आप देख सकते हैं देखो यहाँ पर मटन मार्केट से भी कैसा देखो गोट भी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर है मामू चिकन, तो चलो अंदर चलते हैं और ऑर्डर देते हैं चिकन का। तो गाइस अभी फाइनली मामू चिकन से अभी चिकन लेके आ गया हूँ मैं, आप देख सकते हैं देखो मामू चिकन का शॉप देखो वहाँ पर कैसा है। तो अभी चलते हैं सीधा सामने की तरफ दुकान को, तब अभी मैं आपको यहाँ पर का रोड का जगह का नाम से भी बताता हूँ। ये है भटकल का बाज़ार नीचे का मेन मार्केट एंड आप देख सकते हैं वहाँ पर सीधा जाता है आयशा प्लाजा रोड एंड वहाँ पर है कार स्ट्रीट, सामने की तरफ आप रिक्शा स्टैंड से भी देख सकते हैं वो पूरा कार स्ट्रीट है। माउंटेन मार्केट का एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिया कैसा है। तो चलो अभी चलते हैं, मैंने आपको यहाँ पर का इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो अभी मैं आ चुका हूँ फाइनली पापा के शॉप पे चिकन लेके, तो अभी पापा आई थिंक काम कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ हम जाते हैं क्या सामान लाने जाते हैं। तो चलो अभी चलते हैं अंदर ये रख के कुछ बातें करते हैं, वरना यहाँ पर से सीधा निकलते हैं किसी और साइड।
तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं दुकान से बाहर। देखो पापा अभी जा रहे हैं सामने की तरफ, तो अभी चलते हैं कार में बैठ कर दूसरी तरफ, देखते हैं पापा कुछ और सामान लाने जाते हैं या नहीं, या सीधा घर जाते हैं देखते हैं। इस सब डिक्की में रखते हैं। तो अभी डिक्की यहाँ पर हो चुकी है ओपन, साइड में रख लेते हैं एंड बंद करते हैं डिक्की। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं वेजिटेबल मार्केट के साइड एंड करते हैं पहले कार को लॉक। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं वेजिटेबल मार्केट के साइड, आप देख सकते हैं देखो वेजिटेबल मार्केट कैसा है, एवन चिकन मार्केट एंड यहाँ पर है फिश मार्केट सामने की तरफ आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं वेजिटेबल मार्केट, देखते हैं पापा क्या लेते हैं। एंड ये है सामने की तरफ यहाँ पर हाईवे, देख सकते हैं बाजार का ये हाईवे देख सकते हैं। देखो वहाँ पर है सामने की तरफ, वहाँ पर दूर में रिक्शा स्टैंड और यहाँ पर है फ्रूट्स का शॉप आप देख सकते हैं। एंड ये रोड एंड वहाँ पर भी सामने थोड़े से शॉप्स एंड वहाँ पर भी थोड़े से शॉप दोनों लाइन में। एंड यहाँ से अंदर जाते हैं वेजिटेबल मार्केट के लिए, यहाँ से भी आप चाहे तो यहाँ से भी अंदर आके वेजिटेबल मार्केट में कुछ ख़रीदारी हो तो ख़रीदारी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी बाहर की तरफ आप देख सकते हैं देखो थोड़े से दुकानें भी है यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या सामान से भी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी है वही शॉप सेम वाला। एंड मैकेनिक का एरिया आप यहाँ पर देखो एंड वहाँ पर सामने की तरफ राशन का दुकान। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेजिटेबल मार्केट, यहाँ पर सामने दो तीन और यहाँ पर एक मेन बड़ा मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी वेजिटेबल मार्केट से हम ले चुके हैं यहाँ पर टमाटो, आप देख सकते हैं पापा के हाथ में है अभी, ये पापा टिक्की में रख रहे हैं। एंड वहाँ पर एक अंकल बैठे रहते हैं ना, मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया था उनको, वहाँ पर हम जाने वाले हैं एंड लेने वाले समथिंग लेमन समथिंग लेने वाले हैं। अभी हमने कार कर ली है इतनी सी छोटी जगह पर पार्क, जा रहे हैं पापा वहाँ पर लेने। देखो पापा वहाँ पर ले रहे हैं अभी यहाँ पर लेमन वगैरह सभी ले रहे हैं। देखो यहाँ पर ये अंकल के पास, आज यहाँ पर दूसरे अंकल बैठे हैं। देखो अभी हमने लेमन कोथमीर और पुदीना यहाँ पर से ले लिया है छोटे से शॉप से। तो अभी चलो बैठते हैं कार में और चलते हैं सीधा घर के लिए एंड जल्दी से नहा धो के नमाज के लिए भी जाना है। पर आप देख सकते हैं पापा मिल रहे हैं अपने दोस्त से वहाँ पर, पापा और मैं तब से घूम रहे थे तो अभी मैं यहाँ पर आके बैठ चुका हूँ। एंड एक मिनट पूरा लुक देखते हैं इसे कार का कैसा है, लुक देखो एक बार साहब कैसा है कार का, एकदम से अलग ही लग रहा है, फुल अलग ही सीन लग रहा है, कैसा अलग सीन लग रहा है देखो, और ड्राइविंग सीट का देखो कैसा है। तो पापा अभी आके बैठ चुके हैं, अभी हम ले रहे हैं फ्रूट्स, मम्मी ने बोला था फ्रूट्स लेने के लिए। और आप देख सकते हैं फ्रूट्स का शॉप देखो यहाँ पर, यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, बहुत सारे फ्रूट्स की शॉप है यहाँ पर। पार्किंग के लिए अच्छे से जगह ढूंढते हुए यहाँ पर पापा अभी, पापा वहाँ पर सामने फ्रूट्स लेने आ चुके हैं, जा रहा था बैटरी एकदम से खत्म हो गया था तो अच्छा दूसरा बैटरी भी साथ में लाया था एंड वो भी डाल दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कीचड़ कीचड़ है भाई साहब, पूरा कीचड़ है, पैर एकदम उधर रखी है, देखो पैर कितना दूर रखी है, मैं जा रहा हूँ देखो यहाँ पर जी कैसा है देखो पूरा खींचा, अगर अच्छा हुआ मैंने देख लेना तो पूरा पैर उधर ही जाता, यहाँ पर भी देखो कितना सारा है। पापा उनको मेरे ब्लॉग के बारे में बोल रहे हैं, मैं क्या करता हूँ क्या करता है नहीं ब्लॉग्स में, वो सभी बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर फ्रूट्स देखो भाई सब कितने सारे अलग अलग टाइप के वराइटीज के सभी है देखो, और यहाँ पर भी टंगे हुए हैं देखो यहाँ पर, और आप देख सकते हैं वहाँ पर है पाइनएप्पल्स एंड ग्रीन एप्पल आप देख सकते हैं, एंड बहुत सारे पपाया सभी वाटरमेलन सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैंगो भी है यहाँ पर, ऑरेंज भी है, कितने सारे अलग अलग चीज़ें सभी है देखो यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कैरी देखो यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर कैरी देखो। एंड अभी मैं आगे जाके आपको आगे भी दिखाता हूँ यहाँ पर कितने सारे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है फ्रूट्स का एक शॉप एंड सामने दो राशन के शॉप आप देख सकते हैं, ये राशन के शॉप इनका बोर्ड देख सकते हैं, और जमजम बेकरी आप देख सकते हैं इसके साथ नीचे देखो कैसा है जमजम बेकरी। एंड वहाँ पर है म्यूनसिपाल्टी सामने की तरफ रोड में आप देख सकते हैं देखो, और सामने आप देख सकते हैं लाइन से पूरे अंटे हैं देखो यहाँ पर लीफ अलग अलग लीफ सभी यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या बेच रहे हैं अपने यहाँ पर सभी। मम्मी ने भी बहुत बार यहाँ पर से सामान सभी ले लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो कैसा है पूरा लाइन से वहाँ से पूरा यहाँ तक लाइन से बैठे हैं देखो। एंड गाइस वहाँ पर पीछे की साइड मैंने आपको जो दिखाया ना उन्होंने क्या बोल रहे थे मालूम है, यूट्यूबर अला ऐसे कुछ कन्नड़ा में बोल रहे थे, मेरे को एकदम सुन के हंसी आ गया कैसे बोलते हैं, उनको भी पता है कि यूट्यूबर सभी घूमते हैं यहाँ पर। अभी पापा ने यहाँ पर फ्रूट्स ले लिया देखो अलग अलग टाइप के एप्पल बनाना समथिंग पापा ने ले लिया, तो अभी पीछे रख रहे हैं पापा। अभी पापा जा रहे हैं सामने की तरफ झमझम बेकरी नहीं राशन की दुकान में जा रहे हैं पापा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पापा ने यहाँ पर मिल्क मेड ले लिया यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये शॉप देखो एक बार अंदर से कैसा है,
अभी पापा जा रहे हैं जमजम बेकरी के अंदर, तो चलो जमजम बेकरी के अंदर चलते हैं। जमजम बेकरी के अंदर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर कितने सारे सामान सब आप देख सकते हैं, देखो एंड अंदर की साइड पे आप देख सकते हैं, देखो वहाँ पर गोडाउन है उनका, वहाँ पर देखो एंड आप सामने देख सकते हैं, देखो यहाँ पर स्वीट्स सभी उन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, देखो अलग अलग स्वीट्स सभी। अभी सुबह का टाइम है ना, इसके लिए आया था उतना नहीं है, नहीं तो स्वीट जो रहता है ना पूरा भरा रहता है यहाँ पर हर टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो कैसा है पूरा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो पापा ने मेरा चैनल का नाम मार के इनको दे दिया, देखो यहाँ पर का बनाया है। अभी पापा ने यहाँ पर फेंटा ले लिया, देखो फेंटा जूस देखो कैसा है यहाँ पर। एंड ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, देखो डेली के फ्रेश फ्रेश सभी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर रखते बनाने का आइटम सब देख सकते हैं, देखो यहाँ पर स्वीट सभी एंड अगर मिक्सचर सभी, देखो ये भी फ्रेश फ्रेश उन्होंने यहाँ पर रखते हैं। एंड यहाँ पर अचार सभी अलग अलग तीन वैरायटी के सभी आप देख सकते हैं, देखो इतने सारे अलग अलग टाइप के सभी है देखो यहाँ पर। एंड एक बार शोर ऑनर से मिल सकते हैं, देखो कैसा है। तो चलो अभी चलते हैं, सामान पूरा ले लिया, अभी चलते हैं सीधा कार में बैठते हैं, चलते हैं सीधा घर। और मुझे अभी नमाज के भी जाने को टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर रेनकोट बेच रहे हैं, देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखो रेनकोट कैसा बेच रहे हैं देखो यहाँ पर। तो अभी वापस वो कीचड़ की जगह से यहाँ पर से चलते हैं एंड बैठते हैं सामने, कैसा है देखो यहाँ पर। मिल्कमेड जो लिया है ना छोटे दुकान से, वहाँ से ये एक ही क्यों लिया, क्योंकि ना बड़े दुकान में भी हम ले सकते थे ये मिल्कमेड, हमने छोटे दुकान में इसलिए लिया क्योंकि ना उधर बहुत लोग नहीं आते हैं, सिर्फ छोटा दुकान है बोल के थोड़े थोड़े ही लोग आते हैं, थोड़े दूर दूर के लोग ऐसे ऐसे आते हैं, एक एक सामान ऐसा लेके जाते हैं, क्योंकि ना उनको भी व्यापार होना चाहिए, सिर्फ बड़े दुकानों को ही नहीं, ये दुकान जो है कभी भी थोड़े थोड़े लोग ही आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, इसके लिए हमने वहाँ पर से लिया, उनको भी व्यापार होना चाहिए। एंड आप कभी वहाँ से लेंगे ना तो वहाँ पर का डेट देख के ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि एक एक बार आई थिंक गलती हो जाता है उनसे भी, तो हमने भी डेट देख के लिया था, ये अच्छा है डेट इसका, एक्सपायर नथिंग हुआ है। तो छोटे दुकान से लेना, उनको भी थोड़ा सा व्यापार हो जाए इसके लिए। अभी ये सब सामान लेते हैं और चलते हैं। अभी मैंने डिक्की भी बंद कर दिया है, पापा के हाथ में देखो कितने सारे सामान और मेरे हाथ में भी देखो यहाँ पर। तो अभी फाइनली हम आ चुके हैं घर के साइड, कार भी लॉक कर दिया, रख दिया पार्किंग करके। तो चलो जल्दी से चलते हैं घर के अंदर, नहाते हैं फिर नमाज के लिए निकलते हैं। भाई साहब आई थिंक 11 o'clock होने वाला है अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आज हमारे घर में फ्राइडे के दिन बिरयानी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सलाद, देखो कौन से टाइप का है यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक चिकन देखो, वाइट चावल है क्या? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना के ऊपर है सलना, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन देखो, फ्राइड चिकन एंड सलना है चिकन देखो। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे मुस्तफ़ा है, यहाँ पर राइट ईयर पीछे की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता, एक बहुत सारे बच्चे ना वहाँ पर ग्रुप करके समथिंग गए नाश्ता के लिए, तो वो सभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने सारे लोग वहाँ पर गए हैं, मेरे दोस्ती लोग हैं वो सब। तो चलो चलते हैं नाश्ता और देखते हैं वहाँ पर का आज का व्यू। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर सुल्तान स्ट्रीट के एरिया में, तो अभी जा रहा हूँ मैं 2 नंबर गली की साइड, उसके बाद जाऊँगा अलवा मस्जिद के होते हुए साइड से सीधा नाश्ता। देख सकते हैं देखो 2 नंबर गली का रास्ता ये है एंड सामने है बड़ी मस्जिद का रास्ता देखो यहाँ पर सीधा, और ये है यहाँ पर अलवा स्ट्रीट का रास्ता। फाइनली हम आ चुके हैं नाश्तार के एंट्रेंस के साइड, आप देख सकते हैं देखो यहाँ पर नाश्तार का रोड देख सकते हैं देखो कैसा है सामने की तरफ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चे सभी पीछे की तरफ जा रहे थे, एंड अभी सामने सीधा सीधा एक रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे सीधा नाश्तार के रोड में। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं रिवर के साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो आज का रिवर का पानी देखो यहाँ पर
कितना भरा हुआ है भाई साहब, कितना ऊपर आया हुआ है। देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ से पूरा वहाँ तक देखो कैसा लग रहा है। यहाँ पर भी देखो कितना रस पानी यहाँ पर भी जमा हुआ है। देखो ये सर में खेती का टाइप का एरिया है, यहाँ पर देखो कैसा नदी हो चुका है। देखो पूरा यहाँ पर पहले से ज़्यादा पानी आ चुका है यहाँ। और यहाँ पर आज के दिन आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो बोटेस, देखो यहाँ पर कितने सारे हैं यहाँ पर रखे हुए। और यहाँ तक भी कितना रस पानी आप देख सकते हैं, बोटे पूरे यहाँ पर भी खेल रहे हैं थोड़े थोड़े। एंड गाइस नस्तार में आपको और एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो आज के दिन यहाँ पर वेव्स आप देख सकते हैं और पानी यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना भरा हुआ है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं वेव्स जो है पूरे यहाँ ऊपर ऊपर तक आ रहे हैं पूरे, कैसा ऐसा है देखो, कितना बड़ा बड़ा वेव्स आ रहा है सामने की तरफ। देखो भाई साहब आज नीचे जाना नहीं हो पाएगा शायद, देखो कितना बड़ा बड़ा वेव्स आ रहा है वहाँ पर सामने की तरफ। देखो वहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं। एंड यहाँ पर भी वेव्स की वजह से रात में आई थिंक यहाँ पर पानी पूरा भर गया है। देखो यहाँ पर भी इतना सारा पानी है, अभी मैं आपको तैर के दिखा रहा हूँ। देखो गाइस कितना बड़ा बड़ा वेव आ रहा है, देखो वहाँ पर देखो कैसा सा आ रहा है। ओएमजी, अगर कोई तैरने गया ना तो डूब ही जाएगा ये सब वेव में। तो गाइस आपने आई थिंक यहाँ पर देख लिया होगा कितना बड़ा बड़ा वेव्स आ रहा है यहाँ पर। एंड आवाज़ जो है यहाँ पर का बहुत बहुत एकदम वो जैसा आवाज़ आ रहा है। मैंने साइलेंट वीडियो टाइप करके थोड़ा सा मिनट का दिखा था, वहाँ पर देखो कैसा सा पानी उड़ रहा था वहाँ पर, अभी आ रहा है देखो वहाँ पर कैसा ऊपर नीचे लावा जैसा हो रहा है। देखो एकदम कितना बड़ा बड़ा वेव्स आ रहा है गाइस वहाँ पर, देखो वहाँ पर छोटा सा था, दूर नहीं जाऊंगा मैं, इतना ही सामने आया था सिर्फ खाली दिखाने के लिए कितना बड़ा बड़ा वेव आ रहा है यहाँ पर। एक बार यहाँ पर का सीन देखो, दोपहर के टाइम मतलब दोपहर के टाइम का जैसा। एंड गाइस मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सब सिचुएशन में ना यहाँ पर मत आइए, क्योंकि ना बहुत रिस्की होता है यहाँ सब। अगर फ्रेंड्स के साथ समथिंग आते हो तो बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए, एंड अकेले भी आ सकते हैं तो बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का भरोसा नहीं है। यहाँ पर आ सकता है एकदम से पानी, सामने मत जाना, मतलब आना ही मत ये सब जगह में, बहुत रिस्की चीज़ है यहाँ पर। हमारे को भी नहीं पता था, अभी यहाँ पर आते हुए आने के बाद पता चला ऐसा सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो कैसा सब यहाँ पर सीन देखने को मिल रहा है, वहाँ तक आया देखो पानी। ओएमजी वहाँ पर देखो पूरा पत्थर को घेर लिया उसने पानी ने, इतने सही पानी में यहाँ सामने सामने। चलो अभी हम चलते हैं दूसरी जगह, जाते हैं दूसरी जगह और शूट करते हैं दूसरी जगह। एंड गाइस अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं यहाँ पर एक छोटे से स्टॉल में खाने के लिए। एंड आप देख सकते हैं छोटा सा स्टॉल देखो यहाँ पर कैसा है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं देखो यहाँ पर क्या क्या सभी यहाँ पर तल रहे हैं, भजे सभी यहाँ पर तल रहे हैं देखो। एंड इसमें उन्होंने रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें उन्होंने रखा है बटाने, और ये बटाने यहाँ पर पका रहे हैं, और ये भजे सभी यहाँ पर पका रहे हैं देखो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बॉक्स में यहाँ पर एक गुलाब जामुन, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे गुलाब जामुन यहाँ पर रखे हैं देखो। एंड यहाँ पर एक जूस, एंड अभी यहाँ पर हमारे लिए ये जूस यहाँ पर देख सकते हैं कैसा है, तो अभी इसका टेस्ट लेके देखते हैं यहाँ पर ये जूस कैसा है बोल के। ये ककड़ी का जूस आप देख सकते हैं देखो कैसा है, ये आके ज़रूर ट्राई करना है यहाँ पर ये शॉप में, जूस भी बहुत टेस्टी है यहाँ पर का, जब भी आएंगे ये ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बटाने देखो काली मिर्ची के साथ, ऑयल एग के साथ, एंड बटाने यहाँ पर आप देख सकते हैं बटाने के साथ हमें यहाँ पर समथिंग मिक्स करके बटाने दिया गया दो शुक्री में, आप देख सकते हैं देखो यहाँ पर कैसा है ये। अभी ये जो बटाना है ये अभी हम खा के देखेंगे कि कैसा टेस्ट में, और मतलब कैसा टेस्ट में और कैसा है ये देख सकते हैं आप, खा के देखते हैं अभी इसको। पहले अभी आप देख सकते हैं मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पर टेबल में, एंड यहाँ पर कुर्सी, तो अभी देखते हैं इसका टेस्ट खा, तो अभी इसको पहले खाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, इसमें धुआं देखो कितना रस आ रहा है, कितना गर्म होगा यहाँ पे अंदाज़ा लगाओ और कमेंट करके बोलो। गर्म बहुत है लेकिन टेस्टी बहुत बहुत है, ट्राई करना ये भी बढ़ाने यहाँ पर आएंगे तो। और बॉयल एग के साथ
ज़रूर ट्राई करना। तो बाहर बैठ के खाने के लिए ऑफर लग रहा था, इसके लिए अभी हम जा रहे हैं रूम के अंदर यहाँ पर बैठने। यहाँ आप देख सकते हैं, देखो अंदर की तरफ रूम उन्होंने कैसा बनाया है यहाँ पर लेडीज़ लोगों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर पूरा ग्रीन समथिंग, क्या बोलते हैं सर, अल्लाह ये ग्रीन समथिंग यहाँ पर उन्होंने ये डाला है। एंड यहाँ पर थोड़े से ये है, एंड यहाँ पर ऊपर तगड़ा, आप देख सकते हैं देखो कैसा है। तो अभी शुरू करते हैं यहाँ पर बैठ के खाने के लिए। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये खाने तक ना पूरा रात होएगा, 101% आधा घंटा तो लग ही जाएगा इस खाने के लिए। यहाँ पर देखो कितना गर्म है, धुआं अभी भी कैसा निकल रहा है। एक चीज़ बोलूँ मेरा, आप देख सकते हैं देखो अभी भी पूरा इतना भरा है। एंड मुस्तफ़ा का देखो, ये मोटे आदमी का यहाँ पर पूरा खलास, पूरा ख़त्म कर चुका है। आपको खाना नहीं आता सैफान, कैसा आदमी है, इसके लिए इसका इतना बड़ा मोटा आंग है देखो यहाँ पर। एंड अभी गाइस फाइनली बहुत शिद्दतों के बाद, बहुत औकत के बाद यहाँ पर मेरा ख़त्म हो चुका है खाने का। अभी देखो मैंने आधा मुस्तफ़ा को भी दिया था खाने के लिए, क्योंकि मेरे से खाया नहीं जा रहा था इसके लिए। तो अभी पीते हैं ये जूस एंड चलते हैं यहाँ से। एंड गाइस अभी हम दे रहे हैं यहाँ पर बिल्डिंग, बिल्डिंग दे के चलते हैं यहाँ पर से डायरेक्टली। इस वाले पीछे के सीन को एंजॉय करते करते मैं यहाँ पर अभी बैठ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, देखो यहाँ पर स्टोन की तरफ बैठा हूँ मैं, मतलब स्टोन के ऊपर बैठा हूँ मैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं पूरा स्टोन, देखो वहाँ पर से लाइन बाय लाइन वहाँ पर से कैसा है। एंड यहाँ पर से भी सीधा देखो कैसा है यहाँ पर। एंड ये व्यू देखो कैसा है यहाँ पर का, कितने बड़े बड़े लहर आ रहे हैं वहाँ माउंटेन के ऊपर। वहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके अगर हुआ तो दिखाता हूँ मैं, वहाँ पर थोड़े लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं देखो, एकदम साइड में, ऐसे डर नहीं है उनको, कुछ नहीं है जाके, ऐसे सिर्फ ठहरे हैं वहाँ पर। सो गाइस आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारे सामने दोस्त है, मैं वहाँ पे जूम कर रहा हूँ, वहाँ पे हमारा तनूप भी है सामने की तरफ, हमारे दोस्त सब आप देख सकते हैं वहाँ पर बटाने से भी खा रहे हैं, मन्नान तनूप और बाकी के मन्नान और तनूप के दोस्त सभी वहाँ पर बटाने से दिखा रहे हैं देखो। एंड वहाँ पर सामने की तरफ माउंटेन का व्यू देख सकते हैं आप, वहाँ पर देखो कैसा है ये देखो यहाँ पर। अभी फाइनली टाइम हो चुका है, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, बहुत टाइम के बाद अभी फाइनली हम यहाँ से जा रहे हैं। तो करते हैं इस समुंदर को बाइक। भटकल में ना इस समुंदर को बोला जाता है लड़के का समुंदर, मतलब ना बहुत बड़े बड़े व्यवस्थ आते हैं और बहुत गहरा भी है ये, इसके लिए इसको बॉय बोला जाता है एक भाषा में। एंड जो जाली आप देख सकते हैं, मैंने बहुत बार जाली भी दिखाया है आपको, उसको बोला जाता है गर्ल, मतलब लड़की बोला जाता है वो समंदर को। मतलब भटकल वाले ना अलग अलग नाम दे रखे हैं अलग अलग समंदर को यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बच्चे देख सकते हैं आप, ग्राउंड में है, क्रिकेट सभी खेल रहे हैं यहाँ पर। एंड ये रोड से भी आप देख सकते हैं कैसा है सामने की तरफ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो, तो मैं आपको दिखा चुका हूँ समंदर देखो, और वहाँ पर सामने लाइट हाउस आप देख सकते हैं देखो, वहाँ पर लाइट हाउस कैसा है। यहाँ पर पार्क आप देख सकते हैं, यहाँ पर खेलने की चीज़ें सभी यहाँ पर हैं, बच्चों की खेलने की चीज़ें पूरे यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर पार्क टाइप में उन्होंने बनाया है, स्लाइडिंग वैसा भी। ये आप नदी देख सकते हैं, आप देखो यहाँ पर कैसा है ये नदी है ना, वहाँ पर सामने की तरफ और पीछे की तरफ भी ये समंदर के साथ मिला हुआ है ये नदी। ये आप देख सकते हैं देखो कैसा है पूरा। सब्सक्राइब करो, होता है क्या हमारा व्लॉग है क्या, कौन सा व्लॉग? सैफान हीना व्लॉग। सैफान हीना, हाँ सैफान मतलब एस ए आई एफ ए एन, सैफान हीना, हाँ एच डब्ल्यू एन ए, हाँ करेक्ट। अच्छा क्या है वो, कौन सा कंटेंट्स? ऐसा डेली व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स मतलब ये डेली लाइफ में क्या होता है वो दिखाना, से एंटरटेनमेंट करने का लोगों को। पूछ रहे थे मैं क्या कर रहा हूँ, कैमरा लेके क्यों घूम रहा हूँ, ऐसे समथिंग पूछ रहे थे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ में मेरे कैसे टंगा हुआ है देखो, चलो सामने रख निकाल, हाथ में जब पकड़ा हुआ था एकदम से अंदर यहाँ पर चला गया। एंड लास्ट बार ये समंदर का सीन देखो आप कैसा है यहाँ पर। अभी गोयज मुस्तफ़ा एक समथिंग जोक बोलने वाला है, तो देखते हैं वो क्या बोल रहा है। आलू और गाजर को प्यार हो गया, ये देख कर टमाटर लाल हो गया, धनिया और पुदीना नाचने लगे, उतने में सालन तैयार हो गया। कैसा सा जोक बोला देखो, उतने में सालन तैयार हो गया समथिंग, लास्ट का उतना ही याद है मेरे को ये जिसने जो बोला, आगे का क्या क्या बोला, मिर्ची धनिया वो सब याद नहीं, कैसा बोला देखो। अभी आप देख सकते हैं बाइक है वहाँ पर, एंड मुस्तफ़ा और मैं यहाँ पर चल के जा रहे हैं। एंड गाइस अभी मुस्तफ़ा और मैं जा रहे हैं चल के यहाँ पर, क्योंकि ना वहाँ पर समथिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड में, बीच रोड में, वो मैं आने के टाइम में आपको दिखाता हूँ। एक मुस्तफ़ा ने एक कवर लिया है पार्सल, मैंने भी एक पार्सल ले लिया है घर में देने के लिए मम्मी को।
एंड गाइस मैंने आपको बोला था फारूकी स्ट्रीट के सामने जो रोड है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो रोड वहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है यहाँ पर रोड का, यहाँ पर देखो रोड बीच रोड कैसा रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। एंड गाइस अभी हम जा रहे हैं हमारे घर में, क्योंकि बज्जी थोड़ा सा लिया था मैंने, वो अभी मम्मी को देते हैं जाके। मेरे पीछे है यहाँ पर अलवा स्ट्रीट, यहाँ पर अलवा स्ट्रीट आप देख सकते हैं देखो कैसा है। हम जा रहे हैं होते हुए दो नंबर गली से वापस हमारे घर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कार है यहाँ पर, अभी ये रोड क्रॉस करके जाएंगे। एंड मैं आपको एक जोक बोलना चाहता हूँ, आलू और गाजर को प्यार हो गया ये देखकर टमाटर लाल हो गया, धनिया और पुदीना नाचने लगे उतने में सालन तैयार हो गया। सालन तैयार हो गया कैसा जोक है देखो गाइस, उतने में सालन तैयार हो गया। देखते हैं सामने की तरफ, यहाँ पर है सुल्तान स्ट्रीट। एंड गाइस ये जोक जो मुस्तफ़ा ने बोला है ना, अगर आपने यहाँ कहीं पर भी ये जोक सुनाऊंगा तो हमारे मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ये जोक हमने भी सुना है, यस अगर सुना है तो यस करके डालना, अगर नहीं सुना है तो नो करके डालना। एंड ऐसे ही जोक्स अगर आपको ख्याल में आएंगे तो कमेंट करके ज़रूर सेंड करना, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने की तरफ है फिश मार्केट, देखो यहाँ पर कैसा है फिश मार्केट, देखो अंदर की तरफ यहाँ पर कैसा है। ये ऑटो स्टैंड देख सकते हैं आप, देखो चारों ओर ऑटो ऑटो कैसे ठहरे हैं यहाँ पर। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मेरे घर के पास, तो चलो ये भजे सभी देख के आते हैं मम्मी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो गाइस हमारे कार के ऊपर कितनी यहाँ पर मिट्टी यहाँ पर है, कितनी मिट्टी यहाँ पर है देखो सामने पीछे की तरफ, देखो कितनी सारी मिट्टी है, देखो ये साइड भी पूरा पूरा मिट्टी मिट्टी कीचड़ कीचड़ लग रहा है, देखो यहाँ पर पीछे की साइड भी देखो यहाँ पर पूरा कैसा मिट्टी मिट्टी है। तो अभी करते हैं इसको पानी डाल के साफ। एंड गाइस मुस्तफ़ा लिख चुका है मेरे चैनल का नाम यहाँ पर, कार के पीछे जो धूल लगी हुई थी ना उसमें ही लिख दिया मुस्तफ़ा ने, देखो यहाँ पर क्या। देखो गाइस सैफान अपनी खुद की गाड़ी धो रहा है गंदे पानी से, नहीं साफ पानी आ चुका है, खुद की गाड़ी धो रहा है इतना फास्ट, अभी देखिए उसका पानी इतना इतना फास्ट आ रहा है गाइस, देखो देखो गाइस इतना इतना यहाँ देखो गाइस इतना यहाँ देखो इतना फास्ट आ रहा है गाइस इतना फास्ट आ रहा है। मोटर चालू करना होगा इसके बिना नहीं होगा है। देखो गाइस सैफान गाड़ी धो रहा है और हम इसको गाड़ी धोने में 100 रुपया देगा, हमारी गाड़ी को 100 रुपया देगा, वाह मेरी गाड़ी तुम्हें 100 रुपया देगा। हाँ भाई देखो गाइस सैफान कैसी पानी हमारे भटकल में पानी की बहुत कमी है, यहाँ पे देखो गाइस पूरा पानी पानी से गाड़ी खराब रखी थी, गाड़ी खराब ही थी, खराब ही रहने देते, बारिश के पानी से साफ होती, सैफान का इतना भी दिमाग नहीं, बारिश के पानी से और ख़राब होती है ज़्यादा करके, क्योंकि यहाँ पर ट्री है। देखो उसकी देखो, उसका दिमाग। So guys, अभी मैं आ चुका हूँ घर में, आप चलो चलते हैं अभी घर के अंदर, अभी आजान होने वाली है 20 मिनट्स में समथिंग, नमाज को जाते हैं फिर आते हैं। तो गाइस अभी मैं नमाज अभी पढ़ के आ चुका हूँ, सॉरी मैं आपको नहीं दिखा सका, डायरेक्ट अभी ब्लॉग एंड करने का टाइम हो चुका है, इसके लिए अभी ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। एंड सॉरी कि ये ब्लॉग अभी शायद लंबा हो गया होगा, अभी नहीं पता चलेगा, इस वीडियो में मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आज का दिन का जो वीडियो कराना मैं ऐसा लग रहा है बहुत लंबा आधे घंटे का समथिंग हो गया होगा, एडिटिंग के बाद पता चलेगा कि क्या हो गया है, छोटा हुआ है या बड़ा। फाइनली टाइम हो चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का, तो अगर ये ब्लॉग में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।